Hi there. Welcome to the wonderful world of English language. You know very well that English is very important for all of us. That's why today we will discuss some basic and important quotations that will definitely increase your English skills. Nothing is impossible. Kuch bhi namumkin nahi hai. The key to success is failure. Asafalta hi safalta ki कुंजी है. लाइफ इज जर्नी नॉट ए रेस. जीवन एक यात्रा है, कोई दौड़ नहीं. नथिंग इज परमानेंट. कुछ भी परमानेंट नहीं है. ए विनर नेवर स्टॉप्स ट्राइंग. एक विजेता कभी भी कोशिशें नहीं छोड़ता. स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग सक्सेस. छोटे छोटे काम बड़े सफलता लेके आते हैं. यू डोंट फाइंड ए हैप्पी लाइफ, यू मेक इट. आपको हैप्पी लाइफ मिलती नहीं, आप बनाते हो. यू नेवर फेल अनटिल यू स्टॉप ट्राइंग. आप कभी फेल हो ही नहीं सकते जब तक आप कोशिशें करने बंद ना करो. नो वन इज यूजलेस इन दिस वर्ल्ड. इस संसार में कोई भी यूजलेस नहीं है. द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस. सबसे बड़ा बदला आपकी बहुत बड़ी सफलता है. वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट. हम जो भी सोचते हैं वही बन जाते हैं. ए जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप. लाखों मील दूर की यात्रा एक कदम से ही होती है. विनर नेवर क्वाइट एंड क्विटर नेवर विन. विजेता कभी रुकता नहीं और रुकने वाला कभी जीतता नहीं. हार्ड वर्क विल नेवर डिसअपॉइंट यू. मेहनत आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा, इसलिए मेहनत करो. डोंट स्लीप अनटिल द जॉब इज अनडन. जब तक आपका किया हुआ काम पूरा नहीं होता तब तक नींद मत लो. नथिंग कैन इंस्पायर यू टू मूव देन योर ड्रीम. इस जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको इंस्पायर कर सके. अगर कोई इंस्पायर करेगा तो वो आपके सपने हैं. योर सक्सेस इज अप टू यू. आपकी सफलता आप पर निर्भर करती है. ट्राइंग नाउ इज बेटर देन क्राइंग लेटर. आज कोशिश करना ज़्यादा अच्छा है ना कि कल को उसको लेकर के रोना. स्टडी फॉर द डे when you don't have to worry about price tag. उस समय के लिए मेहनत करो, उस समय के लिए पढ़ो जब आपको प्राइस टैग की चिंता ना करनी पड़े. डिसिप्लिन इज एवरीथिंग. यू नो डिसिप्लिन इज एवरीथिंग. अनुशासन ही सब कुछ है. एजुकेशन कैन चेंज योर लाइफ. शिक्षा आपके जीवन को बदल सकती है, इसलिए हमेशा शिक्षित बनने के लिए प्रयासरत रहो. पीस कम्स फ्रॉम विद इन. शांति अंदर से आती है. डोंट सीक इट विदाउट. इसे कहीं और ढूंढने की कोशिश मत करो. थ्री थिंग्स कैन बी लॉन्ग हिडन. थ्री थिंग्स कैन नॉट बी लॉन्ग हिडन. तीन चीज़ों को लंबे समय तक छुपाया नहीं जा सकता. द सन, द मून एंड द ट्रूथ. द माइंड इज एवरीथिंग. मस्तिष्क ही सब कुछ है. What you think, what you become. जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो. Love begets love. प्यार से प्यार पैदा होता है. And hatred begets hatred. और नफरत से नफरत पैदा होती है. If you don't care about what people think. अगर आप ये परवाह नहीं करोगे कि लोग क्या सोचते हैं. You have already passed the first step of success. तो आप सफलता का पहला कदम पहले ही बढ़ा चुके हो. इसलिए कभी किसी के बारे में मत सोचो और सफलता को हमेशा पाने के लिए प्रयासरत रहो. नो वन सीज हाउ मच यू डू फॉर देम. कोई ये नहीं देखता कि आपने उनके लिए कितना किया है. दे ओनली सी व्हाट यू डोंट डू. वो तो सिर्फ यही देखते हैं कि आपने उनके लिए क्या नहीं किया. लाइफ इज़ लाइक ए कॉइन. जीवन एक सिक्के की तरह है. प्लेजर एंड पेन आर टू साइड्स. सुख और दुख दो पहलू हैं. Only one side is visible at a time. एक समय पे एक दिखता है. But remember, the other side is waiting for its turn.
लेकिन हमेशा याद रखें कि दूसरी साइड भी अपनी टर्न लेने के लिए वेट कर रही है। सो इसलिए सुख है तो दुख भी आएगा और दुख है तो सुख भी आएगा। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, सुंदरता हमेशा देखने वाले की आंखों में निहित है। मतलब आपकी आंखें अच्छी हैं, आपका दिल अच्छा है तो हर जगह आपको सुंदरता नज़र आएगी। ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, इस दुनिया में केवल मैं ही हूँ जो अपने जीवन को बदल सकता हूँ। नो वन कैन डू इट फॉर मी, और मेरे लिए ये कोई और नहीं कर सकता। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, बल्कि शिक्षा ही अपने आप में जीवन है। इसलिए हमेशा शिक्षित बनो। इफ थिंग्स गो रॉन्ग, अगर आपके हालात बिगड़ जाएं, डोंट गो विद देम, तो आप भी उनके अनुकूल मत जाओ। मतलब आप भी अपने लाइफ में बिगड़ाव मत लेकर के आओ, हमेशा सच्चाई का साथ रखो। If you give importance to people, अगर आप लोगों को महत्व देते हैं, they think you are always free, तो लोग सोचते हैं कि आप तो फ्री हो, but they don't understand that you make yourself available for them every time, लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पाते कि आपने ही अपने आप को उन लोगों के लिए हर समय अवेलेबल किया है, उनके लिए अपने आप को फ्री किया है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहो। समटाइम्स मोमेंट्स बिकम मेमोरीज, कई बार कुछ पल हमारी यादें बन जाते हैं। एंड पीपल बिकम लेसन्स, और कुछ लोग हमारे लिए सबक बन जाते हैं कि कौन लोग कितना अच्छा है, कौन लोग कितने बुरे हैं। When your parents are not rich, जब आपके मम्मी पापा ज़्यादा अमीर ना हों, but still afford to give you a beautiful life, लेकिन फिर भी वो प्रयासरत हों कि आपको एक सुंदर जीवन दें, appreciate their sacrifice, तो उस समय अपने माँ बाप के बलिदानों को की तारीफ करो। When your parents are not rich, but they try to afford you everything, appreciate their parents. Work hard in silence, मेहनत करो खामोशी से। Let your success be your noise, आपकी सफलता अपने आप शोर मचा देगी। If you want something you have never had, अगर आप वो चीज़ पाने की कोशिश कर रहे हो जो आपने कभी नहीं पाई, you must be willing to do, तो आपको वो करने की इच्छा रखनी होगी, something you have never done, जो आपने अपनी लाइफ में आज तक नहीं किया है। मतलब आपको कुछ कठिन वो काम ही करने के लिए तैयार होना होगा। Life begins at the end of your comfort zone, जीवन आपके कंफर्ट जोन के अंत से शुरू होता है। इसलिए हमेशा कंफर्ट जोन का त्याग करो और हमेशा ही रिस्की जोन में जाओ। रिस्की जोन में ही सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ कंफर्ट जोन। द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन लाइफ इज डूइंग व्हाट पीपल से यू कैन नॉट डू, जीवन का असली खुशी उसी काम में है जिसको लोग कहें कि ये आप नहीं कर सकते। जिसको लोग कहें कि आप ये नहीं कर सकते, हमेशा उसी काम को करो, वहीं पे खुशी मिलेगी। ए रिवर कट्स थ्रू रॉक, एक नदी चट्टान को काट देती है, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर, और वो अपनी शक्ति के कारण नहीं करती, बट बिकॉज ऑफ इट्स परसिस्टेंस, बल्कि अपनी निरंतरता के कारण करती है। इसलिए हमेशा अपने काम में निरंतर रहो। कहा भी गया है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इफ़ पीपल आर नॉट लाफिंग एट योर गोल्स, अगर लोग आपके लक्ष्यों पे नहीं हंस रहे, योर गोल्स आर टू स्मॉल, तो समझ जाएं कि आपके लक्ष्य अभी बहुत छोटे हैं। इसलिए हाई अप योर गोल्स सो दैट पीपल लाफ एट योर गोल्स एंड यू सरप्राइज देम एट वन डे, इट्स माई प्रोमिस। यू डू नॉट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, आपको किसी काम को शुरू करने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट, लेकिन आपको शुरुआत की ज़रूरत है महान बनने के लिए। इसलिए स्टार्ट करो, एक दिन आप महान बन जाओगे। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, आपकी मेहनत आप किसी के भी टैलेंट को थका सकती है, हरा सकती है। व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, जब टैलेंट वर्क हार्ड नहीं करता, इट मीन्स टैलेंट और वर्क हार्ड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन वर्क हार्ड टैलेंट को थका देता है कई बार। नोइंग इज़ नॉट एनफ,
किसी चीज़ को जानना ही जरूरी नहीं है, जानना ही पर्याप्त नहीं है, वी मस्ट अप्लाई, बल्कि हमें उस जाने हुए को अप्लाई भी करना है, लागू भी करना है। विलिंग इज़ नॉट एनफ, किसी चीज़ के लिए चाहना ही जरूरी नहीं है, वी मस्ट डू, बल्कि उसके लिए हमें कुछ काम करना भी जरूरी है। ट्रेन योर माइंड, अपने मस्तिष्क को इस कदर ट्रेन करो, इस कदर उसको शिक्षित करो, इस कदर उसको चलाओ टू बी काम, ताकि आपका माइंड शांत रहे इन एवरी सिचुएशन, हर एक हालात में आपका माइंड ट्रेंड होना चाहिए कि वो साइलेंट बना रहे। बी हैप्पी, खुश रहो, यू नेवर नो, आप नहीं जानते हाउ मच टाइम यू हैव लेफ्ट, कि आपके पास कितना समय है, आप नहीं जानते आपके पास कितना समय है, इसलिए हमेशा खुश रहो। कर्म हैज़ नो मेन्यू, कर्म के पास कोई मेन्यू नहीं होता, यू गेट सर्व्ड व्हाट यू डिजर्व, आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। कर्मा हैज़ नो मेन्यू, यू गेट सर्व्ड व्हाट यू डिजर्व, कर्म के पास कोई मेन्यू नहीं होता, आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। ब्यूटीफुल पीपल आर नॉट ऑलवेज गुड, सुंदर दिखने वाले लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, बट गुड पीपल आर ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन अच्छे लोग हमेशा सुंदर होते हैं, इसलिए हमेशा सुंदर लोगों को ढूंढने की कोशिश मत करो, बल्कि अच्छे लोगों को ढूंढने की कोशिश करो, वो अच्छे लोग ही आपके लिए सुंदर हो सकते हैं। आई थिंक यू हैव लिसन देम वेरी केयरफुली।